ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में बुधवार को दिन दिहाड़े घर से मां के हाथों से छीन कर ले गए करीब 1.5 माह के बच्चे का शव घर के पास खड्ड से मिला है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे का शव मिट्टी से सना है, वहीं शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शव मिलने से जहां आसपास के लोग भी सन रह गए हैं, वहीं अपहरण व हत्या के इस जघन्य अपराध की परतें खोल पाने में अभी पुलिस नाकामयाब हो पाई है। इस मामले में कार्रवाई करती पुलिस, वो जानकारी देते एएसपी मदनलाल। बच्चे का शव जो है वो मिल चुका है, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? हाँ, आज सुबह करीब 8 बजे बच्चे का शव, जो इनका घर है इससे करीब 60-70 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज गया। फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया है और इसका पोस्टमार्टम जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की टीम के द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको हम अमल में लाएंगे। और दोस्तों, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार की जो कहानी उन्होंने कल बयां की थी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध? पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या परिवार से पूछताछ की जा रही है? हाँ, परिवार से कड़ी पूछताछ की जा रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, और इसमें जो कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो उसके मुताबिक अगली कार्रवाई।